हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा और आप देखत बाड़न भोजपुरी बातें। और मौका बा भोजपुरी फिल्म के पी आर ओ संजय भूषण पटियाला जी की शादी का, और मेरा समय मंच बाटी सीधा संजय भैया से बात करूँ। भैया, भोजपुरी बातन पे आपका स्वागत बा। आज इतना सितारा आपके शादी समारोह में कैसा लगा? अब क्या बताऊँ कैसा लग रहा है, ये तो मैं ही जान रहा हूँ। सब लोगों ने आए मेरे शादी में, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पटना में हमारी दंपत्य जीवन की शुरुआत हुई है। हमारे साथ हैं विभा जी, जो हमारी मैडम हैं, और मैं अपने पूरे समाज, पूरे देश और उन सभी दोस्तों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझे मैसेज के द्वारा शुभकामनाएं दिए और मुझे आकर के पर्सनली आशीर्वाद दिए। मुंबई से चल के त्रिशा खान बेनी यानी कि पटना में आके बहुत अच्छा लगल, एक अद्भुत आनंद आया उन्हें यहाँ के स्वागत समारोह देख के। एक अरेंजमेंट कैसे आपको पूरा व्यवस्था करना यहाँ पे? बस जो सोच लीजिएगा वो हो जाता है, और जो मेहनत करता है उसका फल जरूर मिलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कितने लोग आएंगे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं और मुझे आशीर्वाद दिए। काफ़ी फिल्मन काफ़ी स्क्रिप्ट लिखा है ना भोजपुरी फिल्मन का, और शादी विवाह को भी उन्होंने जिक्र करें ना कि काफ़ी फिल्मन में शादी का भी जिक्र ना। आप तो आज आपका शादी का कहे जात बटन है, कुछ फिल्मी अंदाज में? फिल्मी अंदाज में मुझे पता ही नहीं चला कि आज इतना बड़ा इवेंट हो गया, क्योंकि मुझे तो आदत है डेली इवेंट करने का, लेकिन आज कब शादी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। भाभी जी के लिए का कहे जात बटन भोजपुरी बातों के माध्यम से? आप आई लव यू भाभी जी, भैया प्यार के इजहार के लिए आप कुछ बोले चाहिए? जी हाँ, तो भाभी जी मन ही मन कहीं ना कहीं प्रसन्न बाड़ी, और भोजपुरी बातन के भी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामना बा संजय भूषण पटियाला जी के, इनकर दाम्पत्य जीवन सुखी से भरल रहा है। राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा भोजपुरी बातन पे आपका स्वागत बा। हमारे साथ बाटन पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी। सर, आज भोजपुरी फिल्मन के पी आर ओ संजय भूषण पटियाला जी की शादी समारोह आप यहाँ हैं, सबसे पहले आपका भोजपुरी बातन स्वागत बा। कैसे आपका परिचय भैया से इनके बारे में? बिल्कुल, संजय पटियाला जी हम लोग के उनके पिताजी से मित्रता काफ़ी पहले से है, श्रीनाथ बाबू से। और मैं जन्मजात बौद्धिस्ट हूँ, चूँकि मैं कुर्था जो पहले गया ही जिला में था वहीं का रहने वाला हूँ, और श्रीनाथ जी से हमारा संपर्क बिल्कुल राजनीतिक तौर पर भी या सामाजिक तौर पर भी है। और उनसे जब मैं मिला तो उन्होंने बतलाया कि मेरा एक पुत्र मुंबई में रहते हैं और मेरा भी एक बेटा आदेश आनंद जो एक्टर्स प्रिपेयर अनुपम खेर का है मुंबई में, उससे एक्टिंग का ट्रेनिंग किया है और वो मुंबई में राम मंदिर में अपना फ्लैट लेकर के खरीद करके रहता है और संघर्ष करता है। और संजय जी भी काफ़ी मेरिटोरियस व्यक्ति हैं, और इनको भी हम लोग गृह प्रवेश जब किया था मैंने वहाँ मुंबई में राम मंदिर मोहल्ला में, तो P5 बिल्डिंग में, तो वहाँ पर हम लोगों ने आमंत्रित किया था और वहाँ भी सारा कार्यक्रम बौद्धिस्ट रीति से हुआ था और बड़ा ही ग्रैंड वहाँ भी हुआ था। और तब से मैं संजय जी को जानता हूँ और ये हम लोगों के बहुत ही क्लोज हैं, और आशा करते हैं आज इनको आशीर्वाद हम लोग देते हैं कि दोनों पति पत्नी बहुत आगे बढ़ें और जीवन में संघर्ष करते हुए जो बढ़ता है वो बहुत ऊंचाई पर जाता है। हमारी शुभकामना है कि इस शादी को सफल दोनों मिलकर बनाएं और बहुत आगे तक अपने भविष्य को ले जाएं। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे, काफ़ी भोजपुरी फिल्म का सितारा या मौजूद बटन का कहे जात बटन आप? नहीं, बिल्कुल ये इनका व्यक्तित्व है कि सब लोग आकर्षित होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, और ऐसे लोग जो बड़े व्यक्तित्व के लोग होते हैं उनके शादी में, उनके फंक्शन में स्वाभाविक है कि सभी लोग आते हैं। और आज जो मैं देख रहा हूँ भोजपुरी फिल्म के जितने भी बहुत सारे बहुत ही रिनाउंड कलाकार यहाँ पहुँचे हुए हैं, हम उन सबों को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो लोग इस समारोह में आकर के चार चांद लगाने का काम किया है। ये बहुत ही
हमारे लिए हम गौरव की बात है, खास करके पटनाइट्स के लिए, पटना के लोगों के लिए खास करके गौरव की बात है कि यहाँ पर आज इतने लोग जमा होकर के इस माहौल को बिल्कुल जो है रंगीन बनाया है। और इसके लिए मैं उनको भी बहुत बहुत, कलाकारों को भी और एक्टर्स को भी, भोजपुरी कलाकारों को खास करके मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। तो जी हाँ, ई रहना पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता अरुण कुशवाहा जी, जेकर आशीर्वाद संजय भूषण पटियाला जी के साथ बा, राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा भोजपुरी बातों पे आपका स्वागत बा। हमारे साथ बाटन भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद जी। सर, आज संजय भूषण भैया के शादी का माहौल का कहे चाहत बाटन आप? देखिए, सबसे पहले तो नव दंपति के हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना। और आज संजय भूषण पटियाला भोजपुरी इंडस्ट्री में कोनो परिचय के मोहताज नहीं है, और ख़ास करके भोजपुरी के एगो नया आयाम देवे में उनका बहुत बड़ा योगदान बा। और आज जौन अपन जीवन के एगो नया पारी शुरुआत कर रहा बा, हमारा आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री के एगो नया आयाम दिले बा, कहीं ना कहीं अपना जौन अपन मैरिज लाइफ बा अपन ओकरो के बहुत अच्छा एगो मतलब रूप दे के समाज में मिसाल के कायम करिए। सर, आपके एगो फिल्म खेसारी जी के साथ आई है, ओकरे बारे में कुछ बताओ। हाँ, एगो फिल्म हम कल्याणी सब दुल्हन गंगा पार के, मैं खेसारी जी के बेटी भी, बहुत अच्छा अभिनय कर लब और हर अवार्ड फंक्शन में फिल्म के अवार्ड भी मिल रहा बा, मतलब उनके बच्ची के भी। वो फिल्म पारिवारिक रहे और ओकर भी प्यारो सिर्फ संजय भूषण पटियाला के ही रहे, और फिल्म बहुत बढ़िया मतलब चलल और उनमें कहीं ना कहीं योगदान। नई फिल्म जो आप कहे वाली है, जो काम चला था कुछ फिल्म के अभी लाइनअप बा, अभी नाम कुछ दिन में डिसाइड हुई, और बीच में थोड़ा सा मतलब गैपिंग रख के कुछ अच्छा करे के मतलब हमारे कोशिश रहेगा कि काम कम कर जाओ लेकिन अच्छा कर जाओ, ठोस कर जाओ। हमारे को अपन सामाजिक छवि जौन बा वो कंटिन्यूटी में बनल रहेगा, मतलब हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं कौन ना कौन मोमेंट में समाज के प्रति हमने के समर्पित भावना रहे। तो ये रहना भोजपुरी फिल्मों का डायरेक्टर डॉक्टर अरविंद जी, जी बताऊँ ना कि संजय भैया के दाम्पत्य जीवन के इनकर आशीर्वाद बा। राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। नमस्कार, हम बड़ी राजन मिश्रा भोजपुरी बातें में आपका स्वागत बा, और आज मौका बा संजय भूषण पटियाला के शादी का। जी हाँ, हमारे साथ बाटन भोजपुरी फिल्म सिंगर प्रशांत चौबे जी। भैया, आज संजय भैया की शादी का कहे चाहत बाटन आप? बस ढेर सारा शुभकामनाएं, और ये कहम कि जुग जुग तक ले जोड़ी सलामत रहे, भगवान खुशी से भर देश घर दुआ। कई फिल्म में आप सिंगिंग के लोन गाना गौले हुए, कौन कौन फिल्म के बारे में कुछ होता है? ऐसे तो हम बचपन से चिंटू भाई के, प्रदीप पांडे चिंटू भाई खाती बहुत मने पहले से गावत आवता नहीं, अभी भी कुछ फिल्म बाड़ी से अभी कुछ आवे अली बा तो मैं गौले बानी। अभी तो चिंटू जी खाती ज़्यादा आवाज़ दिले बनी। आप एक सिंगर वार्डन, तो आज संजय भैया की शादी में कोनो एक गीत गुनगुना दें आप? हो गए हैं, अभी थोड़ा हो रहा है, अभी पूजा पाठ कार्यक्रम तो चल ही रहा है बीच में, तो यही कहेंगे कि खुश रहें, आबाद रहें, ऐजा रहें चाहे इलाहाबाद रहें, लेकिन कलाकार के भाषा में अब हो तो और अच्छा लगे मंच पे भी, लेकिन एक ही बात कहूँ कि दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धन्यवाद भैया। तो ये रहना प्रशांत चौबे जी, जो उनकी भोजपुरी फिल्म का सिंगर बाटन, और इनका भी शुभकामना और आशीर्वाद संजय भूषण भैया के साथ बा। राजन मिश्रा भोजपुरी बात है पटना। भोजपुरी बातन में आपका स्वागत बा। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा, और मौका बा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पीआरओ संजय भूषण पटियाला जी के शादी का। हमारे साथ बाटिन भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर एंड एक्टर नेहा बंसल जी। नेहा बंसल जी, आपका भोजपुरी बातों का स्वागत बा। आज संजय भैया की शादी बा, का कहे चाहत बाटिन आप? पूरा हिंदुस्तान जानता है मैं पिछले 1.5 महीने से बहुत बुरे दौर से गुजर रही हूँ,
जो मेरा कोर्ट का मैटर चल रहा है शायद आपको भी पता होगा, तो इतने दिन के बाद आज भाई की शादी में आके एटलीस्ट थोड़ा माइंड डाइवर्ट हुआ, अच्छा लग रहा है जाके। कैसा लगा पटना की सरजमी पे आके यहाँ की शादी विवाह देख? जी बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी वर वधू के लिए? संजय भैया को बहुत बहुत बधाइयाँ, भाभी को बहुत बधाइयाँ। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और जो हालात में मैं हूँ उसके बाद ऐसा एक शादी के नाम से भरोसा उड़ गया था, बट मैं दुआ करूंगी कि इनकी शादी के बाद इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी हो। कुछ फिल्मों के बारे में बताइए जो फिल्में आपकी आने वाली हैं इस बार। अभी मैंने थोड़े दिन पहले बक्सर में एक मूवी कंप्लीट की थी, आई डोंट नो व्हाट इज लव। तो ईरान नेहा बंसल जी जिनकर शुभकामना संजय भैया के साथ बा। राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। भोजपुरी बातें में हमारे साथ इसमें मौजूद बाड़ीन त्रिषा जी जिनकी भोजपुरी फिल्म के एक्टर बाड़ीन और आज मौका बा संजय भूषण पटियाला जी के शादी का। मैम भोजपुरी बातों में आपका स्वागत बा, का कहे चाहत बाड़ीन आप संजय भैया के बारे में? सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा सलाम अलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ त्रिषा खान और आज मेरी यार की शादी है। जहाँ भी ये जाए बहाड़े ये लाए, मेरे दिल ने दुआ दी है मेरी यार की शादी है। काफ़ी डांस भी कहीं नहीं आप, उत्साह भी एकदम, मनोरंजन एंटरटेनमेंट कैसा लगा आपके? इतना अच्छा लगा कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। और पटना में आके इतना प्यार मिला, इतना अच्छा शादी का जो माहौल है। जनरली इस टाइप की शादी हम लोग बॉम्बे में देख नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ देखने का मौका मिला। एंड बाराती के साथ हम लोग आए, जो एंट्री था इतना खूबसूरत था कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, बहुत खुशी मिली। जब आप मुंबई से चलने पटना का आपके लगल के ऐसा माहौल ऐसा सिचुएशन यहाँ पे देखे के मिली इतना खुश? नहीं, जब बॉम्बे से आ रहे थे तो थोड़ा सोच रहे थे कि अलग शहर है, कैसे होगा, कैसे वहाँ पे सब माहौल पे हम मिलेंगे, बट यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि बॉम्बे से बाहर आई हूँ। ऐसा लग रहा है कि संजय भूषण जी की शादी बॉम्बे में ही हो रही है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, अपना शहर लग रहा है। जब बिल्कुल ईरानी त्रिषा मैम जो उनकी साफ साफ खादवाड़ी की इन्हें कोनो अंतर नहीं खे लगत बा कि पटना बा या मुंबई। राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा और हमारे साथ वो कलाकार बड़न जो परिचय के मोहताज नहीं बड़न पप्पू भैया। पप्पू भैया भोजपुरी बातों पे आपका स्वागत बा, आज संजय भैया के शादी का मौका बा, का कहे जात बड़न? सबसे पहले मैं यहाँ जितने लोग आए हैं संजय भैया के शादी में, संजय भैया को आशीर्वाद देने के लिए, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। संजय भैया का आज जो है बारात आया, संजय भैया घोड़े बैठ के आए, बहुत अच्छा लगा। सबको जो है ये नचाते थे, आज ये खुद नाचे और बहुत ही अच्छा दृश्य था और बहुत ही अच्छा लगा। इतना कलाकार यहाँ पे इकट्ठा बटन कैसा लगा बा आपके देख के? भैया क्या है, देखिए वो आदमी सबके यहाँ गया है, ये जो आप लोग देखते हैं, हम लोग तो मान लो शूटिंग कर देते हैं, हम लोग का प्रचार प्रसार लोगों तक हम लोगों की बात रखना ये संजय भूषण करते हैं, तो वो बेचारा सबको इतना प्रेम करता है, तो उसके प्रेम में लोग पूरा मुंबई उलट गया है। सुबह की फ्लाइट जो है जितनी फ्लाइटें थी सब बुक थी और फेयर जो है 16,000 फेयर था, तो संजय भैया के प्रेम में पटना की फ्लाइट जो है पूरी फूल आई, तो इससे लगता है कि संजय भैया का प्रभाव जो है बहुत ही काफ़ी है और सबसे जो है मिलनसार व्यक्ति हैं, तो निश्चित रूप से उनके प्रेम में सब लोग आए हुए हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। भैया कौन कौन सा फिल्म आपका लेटेस्ट जो नावे वाला बाकर बारे में कुछ बताएं? भैया हमारे एक फिल्म लगी बा केसारी भैया के संगे, मेरी जंग मेरा फैसला, बहुत अच्छा रिस्पांस है। और ये आपका यूपी बिहार झारखंड मुंबई दिल्ली गुजरात सब जगह जो लगा बाटे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आवा बाटे, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोगों से निवेदन है भैया, आप लोग जो है पिक्चर देखें और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद ये अपने छोट भाई के पप्पू यादव के दें। पैर छुए थे भैया, गोल ला के आप सब पैर छुए थे भैया। या तो इराना पप्पू भैया जो कि सीधे सीधे बताऊँ ना कि पूरी शुभकामना और आशीर्वाद इनकर संजय भूषण पटियाला जी के साथ बा। राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा और बात करते बाड़ी भोजपुरी बातें पे। हमारे साथ इसमें बाटन भोजपुरी फिल्म जगत में उभरत कलाकार विनोद जी जिनका नई फिल्म आवत बा गुंडा, अभिनेत्री बाटिन अंजना जी, हम इनसे ही बात करब आज संजय भैया की शादी के मौका पे, का कहे चाहत बड़न भैया? भोजपुरी बातें के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी भोजपुरी दर्शकों को विनोद यादव का प्रणाम। और आज हमारे संजय भूषण पटियाला जी की शादी है, हमारे दोस्त हैं और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के पीआरओ हैं, और आज बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा उनके दाम्पत्य जीवन को,
कि भगवान जैसे खुशहाल उनकी पूरी लाइफ बिताएं। और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी इंडस्ट्री के लोग आए हैं यहाँ पे, आज पटना में हम हैं और आपके बीच में, और कोई अपनी खुशी अपने से ही बांटता है। और सभी संजय जी की मोहब्बत में, प्यार में हम भी आए और आप भी आए हैं। तो सभी लोग अगर आज शादी के बहुत अच्छे अवसर पे पहुँचे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद, और अपने एक बड़ा भाई के रूप में हूँ उनसे, एक साल बड़ा भी हूँ तो आशीर्वाद भी दूंगा कि उनके जीवन में से खुशहाली बनी रहे। जम के इंजॉय करना, आप स्टेज पे खूब नचना, कैसा लगा आपके? आज तो दोस्ती के लिए नाचा, कभी एज ए आर्टिस्ट नहीं नाचा, कभी हीरो नहीं नाचा, लेकिन आज जो मैंने आज जम के डांस किया, मेरा दोस्त है और जैसे मेरे यार की शादी है तो अपने यार की शादी के लिए, यार के लिए आज डांस किया, इसे बहुत मजा आया मुझे। पहली फिल्म आपके बारे में कुछ बताओ। पहली फिल्म हमारी गुंडा रिलीज हुई, सुपर हिट हुई, PVR में हाउसफुल 2 वीक चली और बहुत बहुत रिस्पांस मिला, यूपी, बिहार, गुजरात, मुंबई, झारखंड, सभी लोगों ने, भोजपुरी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया। बाकी बैक टू बैक 4 फिल्में मेरी और आ रही हैं, अभी नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, जल्द आप लोग के बीच में दूसरी फिल्म लेके आ रहा हूँ। जी हाँ, तो इरा विनोद जी जो उनकी भोजपुरी फिल्म का उभरत कलाकार हुए, इनकर भी शुभकामना और आशीर्वाद। सदैव संजय भूषण पटियाला जी के साथ बा राजन मिश्रा भोजपुरी बातें पटना। भोजपुरिया बातें हुई, इसमें मौजूद बाटन अरुण सिंह उर्फ भोजपुरिया काका। जी हाँ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सब आपके यही नाम से जाना ला। हम आज आपसे ही बात करब, संजय भैया की शादी का मौका बा, का कहे चाहत बटन भैया? बहुत खुशी के मौसम मौका बा आज, और हमनी के मुंबई से चल के आज पटना के पावन धरती पे हमनी के सब लोग आयल बनी जा, और हमनी के पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के तरफ से संजय भाई के बहुत बहुत बधाई बा, और जोड़ी आजीवन खुशहाल रहे एकरा खातिर कामना बा, और बहुत अच्छा लगा था आज हमनी के यहाँ पर आके। काफ़ी अच्छी व्यवस्था लड़की की तरफ से भी, उनके विदा भी कोई कोनो सब कुछ कहे चाहता था? नहीं, बहुत अच्छा व्यवस्था है, व्यवस्था के लिए क्या कहना है। देखिए, हर कभी भी व्यवस्था के बारे में अगर ना कहें तो ही दिक्कत ये गलत होगा, क्योंकि अगर ऊंच नीच भी कहीं होता है ना तो उसको ये सोचना चाहिए कि सामने वाले ने तो हर कुछ किया है। अगर चूक होता है तो सामने वाले से नहीं होता है, कभी कहीं दूसरे से होता है, उसको लोग अपना पकड़ लेते हैं। तो नहीं, यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा, और सबके साथ मिल के सब लोग इतने अच्छे से आज इंजॉय कर रहे हैं हम लोग शादी को, क्योंकि संजय पटियाला हर किसी के शादी में, हर किसी के पार्टी में हम लोगों को मतलब देखते थे नाचते हुए, और ये आज हम लोग को मजा आ रहा है कि आज संजय भाई की शादी में हम लोग आए हैं, और दूसरी की शादी में संजय भाई कवर करते थे, आज उनकी शादी में हम लोग आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो संजय भैया की शादी में आके आपको भी बहुत ही खुशी है, और आपका भी आशीर्वाद और शुभकामनाएं संजय भैया के साथ हैं। राजन मिश्रा भोजपुरी बात हुआ है, बहुत अच्छा। संजय भूषण, नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा और आप देख रहे हैं भोजपुरी बातें मौका बा। भोजपुरी फिल्मों के प्यारो संजय भूषण जी की शादी का हम बात करब, ये समय हमारे साथ बैठे अमरीश सिंह जी जो सुपर स्टार बाटन भोजपुरी फिल्मन का। अमरीश जी, आज संजय भैया के शादी में क्या कहे चाल बटन? सबसे पहले तो मैं बहुत फिल्में किया हूँ, उस फिल्मों में हीरो रहा हूँ, लेकिन मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज एक हीरो की शादी में आया हूँ, जो मेरा हीरो है संजय भूषण पटियाला, जो कि मैं बेहद इतना खुश हूँ कि आज पूरी यूनिट उसी तरह जैसे शूटिंग करती है और हम सब लोग एक साथ होकर एक शूटिंग करते हैं, उसी तरह इस शादी के समारोह में हम उस यूनिट के साथ हैं। हमारा हीरो संजय भूषण आज एक अपना जीवन संगनी के साथ साथ निभाने की सात वचन और प्रवचन जो कि सब कुछ सुन रहा है और ले रहा है, हम सब उसको आशीर्वाद में प्यार स्वरूप यहाँ स्टेज पे आए हैं देने के लिए। तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ संजय भूषण जी को कि जीवन भर ये पल को याद रखें और जीवन संगनी के साथ साथ निभाए। काफ़ी अच्छी व्यवस्था लड़की वाले की तरफ से, कन्या पक्ष की तरफ से, क्या चाहत बटन कन्या पक्ष के लिए आप? कन्या पक्ष के लिए हम बहुत अच्छा कहल चाहब कि कन्या हमेशा जो पक्ष होता है वो हमेशा देता है, तो यहाँ पे हम सब लोग आए हैं एक बहू को अपने नए घर में ले जाने के लिए, तो बिल्कुल वो एक कन्या को दे रहा है, मतलब सबसे बड़ा कन्या दान होता है। तो आज के इस युग में जो कहा जाए, हम लोग जो जी रहे हैं इस युग में, तो बिल्कुल आज बहुत बड़ा दान कन्या दान दे रहा है जो कि कन्या पक्ष के लोग, तो मैं उस कन्या पक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत खूबसूरत और बहुत खूबसूरत व्यवस्था और बहुत खूबसूरती ढंग से लोगों की व्यवस्थाएं हुई है। कई होटल में हम कलाकार आके ठहरे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग एक साथ यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे मीडिया भाई भी मुंबई से आए हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, आपका भी धन्यवाद देता हूँ, जो कि बिहार पटना के लोग भी बहुत कोऑपरेटिव हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और खुशी इसलिए है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं कहीं
अलग जगह आया हूँ, ऐसा लग रहा मैं अपने घर और परिवार में आया हूँ, अपने साथ और अपने एक विश्वास के साथ कुछ यादों को लेके जाऊँगा। बिल्कुल आपका सही सवाल है कि संजय भूषण ने बहुत शादियाँ कराई हैं, मेरी भी कराई हैं कई फिल्मों में, और करा करा के कई न्यूज ऐसे छाप दिए कि घर में पिटैयो बैली है, तो ऐसा यहाँ नहीं खे बा, और ये सब आशीर्वाद उनके साथ है, उनकी जीवन संगनी के साथ है कि जीवन भर शादी विवाह का जो संबंध है वो एकजुट होके जीवन भर संजय भूषण निभाएंगे और अपने जो कहा जाए जीवन संगनी के साथ खुशहाल रहेंगे। तो संजय भूषण ने बहुत शादियां कराई हैं, लेकिन आज हम सब लोग मिल के इसी खुशी में उनकी शादी में शरीक हुए हैं। जी हाँ, हीराना अमरीश सिंह जी भोजपुरी फिल्म सुपरस्टार, जेकर शुभकामना और आशीर्वाद संजय भैया के साथ बा। राजन मिश्रा, भोजपुरी बातें, पटना। नमस्कार, हम बाड़ी राजन मिश्रा और हमारे साथ बाड़ी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का जानी मानी एक्टर्स ग्लोरी मैडम, हम इनसे बात कर जाए कि आज संजय भूषण जी का शादी बा, आप यहाँ बाटी मौके पे क्या कहे चाहत बाड़ी आप? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बहुत अच्छे मित्र जो है संजय भूषण जी, उनका शादी है और मैं आई हूँ शादी में डांस करने के लिए, और बाराती में बहुत मस्ती किया, बहुत डांस किया, और मैं ये ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि उन लोगों का लाइफ बहुत ही अच्छा हो, बहुत प्यार हो और बहुत बच्चे पैदा हो। यहाँ पे जो व्यवस्थाएं कहल गए जो अरेंजमेंट बात है बारे में क्या कहे चाहत बाड़ी? बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। देखिए, फैमिली का जो प्रोग्राम होता है वो जज करने वाले हम नहीं होते हैं, शादी का टाइम है, जैसा भी है जो भी है बहुत अच्छा है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ उनको आशीर्वाद देना है, ना कि हम लोग जज करना है कि व्यवस्था कैसा है। तो प्लीज़ जो भी आए हैं सब लोग उनको ब्लेसिंग्स दीजिए और ये कपल्स लोग बहुत अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहें। काफ़ी लोग यहाँ इकट्ठा बढ़े भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, और काफ़ी यहाँ पे व्यवस्था भी अच्छी कहल गल बढ़े, तो क्या कहे चाहत बाड़ी यहाँ के पटना के यहाँ के लोगों के बारे में कुछ? मैं क्या बोलूँ, मैं तो ऑलरेडी इन लोगों की आर्टिस्ट हूँ, ये लोग मेरे फैन हैं, मेरे ऑडियंस हैं, बस ऐसे ही प्यार बनाए रखे हम लोगों को। मैंने आज परफॉर्म किया, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, तो मैं इन सभी को थैंक यू देना चाहूँगी कि थैंक यू मुझे प्यार देने के लिए, मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए। यहाँ तो ग्लोरी मैम जो बताऊँगी कि खुशहाल जीवन हो, एक जो ये दाम्पत्य जीवन बा संजय भूषण जी का बहुत ही खुशहाल खुशी से भरल रहा है। राजन मिश्रा, भोजपुरी बातें, पटना। नमस्कार, मैं सुनील प्रजापति। आज भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने फिल्म पीआरओ संजय भूषण पटियाला का शादी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं आज बहुत ही खुशी का दिन है, आइए हम बात करते हैं आनंद बिहारी जी से। सर, आज संजय भूषण पटियाला का शादी है, जिन्होंने फिल्मों में हजारों शादियां कराई हैं, आज उनकी शादी है। खुशी तो इतनी हो रही है कि जो आदमी सैकड़ों शादियाँ रियल लाइफ की कराया हो, आज उसकी रियल लाइफ की हो रही हो, तो इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती है। और मैं साईं बाबा से यही कामना करूंगा कि हमेशा इनकी जोड़ी बनी रहे और ये हमेशा खुश रहें, और शादी के बाद, बहू आने के बाद इनकी तरक्की कम से कम 100 गुना और ज़्यादा होनी चाहिए, ये मैं साईं बाबा से प्रार्थना करूँगा आज के दिन। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, मैं आने वाला नहीं था, कुछ मेरी प्रॉब्लम थी, मेरे हाथ में चोट लगी थी, लेकिन संजय जी का प्यार और प्यारी कह सकते हैं उसको, और संजय जी का अपनापन लगाव इतना था कि मुझे चोट लगने के बाद भी आना पड़ा शादी में, और मैं आया। सर, मैं हूं सुनील प्रजापति। आज भोजपुरी सिनेमा जगत के जाने माने फिल्म पीआरओ संजय भूषण पटियाला का शादी है, तो आइए हम बात करते हैं दो शब्द। सर, क्या कहना चाहेंगे आज संजय भूषण पटियाला का शादी है? मैं यही कहना चाहूँगा कि संजय जी मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं और बहुत पुराने मित्रों में से, मेरे बहुत सारी फिल्मों के पीआरओ हैं वो, और पीआरओ थे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं संजय जी, और आपको भगवान हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे और मस्त रखे, और भाभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूँगा कि ऐसे आप दिन दुनिया चौमी तरक्की करें और आगे बढ़ें। इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं अभी मुंबई से आ रहा हूँ, सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से मुंबई से आया, और मैं संजय भाई की शादी के लिए आया था, फिर कल वापस बॉम्बे चला जाऊँगा। आजकल भोजपुरी मैं कम कर रहा हूँ, साउथ की बहुत ज़्यादा फिल्में कर रहा हूँ मैं, साउथ में मेरी 12 फिल्में रिलीज हो गई, और लेकिन वापस भोजपुरी एक स्टार्ट किया मैंने, मैंने और पवन ने भी एक फिल्म के साथ में, और एक फिल्म वापस कर रहा हूँ मैं, थाना भोजपुर, तो अब वापस भोजपुरी की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। स्वीट कपल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्वीट कपल के लिए यही कहूँगा कि भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी दाम्पत्य जीवन बहुत सुखमय हो, और सारी खुशियाँ आपको मिले, और आप बहुत आगे बढ़े और जल्दी 2 से 3 बने।
सिनेमा जगत के जाने माने फिल्म पियारो संजय भूषण का आज शादी है, आइए भोजपुरी बातें में आपका स्वागत है। सर संजय भूषण पटियाला जी जिन्होंने भोजपुरी फिल्मों में हजारों शादियां कराई हैं, आज उनकी शादी है, आप चाहेंगे? बिल्कुल, और वो भोजपुरी सिनेमा में जब सिनेमा के अंदर जब शादियाँ होती रही हैं तो उसको मिर्च मसाला लगा के हमेशा संजय भूषण ने प्रेजेंट किया है और कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है, तमाम किया है, लेकिन वो फिक्शन था, वो रील के अंदर शादियां होती रही हैं। अब जो शादी आज हो रही है वो रियल लाइफ की शादी है संजय भूषण की, और मेरी पूरी शुभकामना है कि संजय जैसे मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा है, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर करे कि वो और उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार ऐसे मुस्कुराता रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, और एक हंसता खेलता परिवार और फले फूले, बस यही दुआ है। सर आज आप इस शादी में सम्मिलित होने के लिए कहाँ से आए? मैं मुंबई से आया हूँ और ये शादी मेरे छोटे भाई हैं संजय को बहुत प्यार मैं करता हूँ, तबीयत ठीक नहीं थी और मतलब चेस्ट में पेन हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा कि यार शादी तो एक ही बार होनी है और मुझे जाना ज़रूरी है, और मैं फिर आया पटना, और पटना वैसे भी बहुत पसंद है मुझे, तो मेरे लिए कर्म भूमि है, बहुत प्यार करता हूँ मैं, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं खुद बहुत प्यार करता हूँ पूरे बिहार को, और चूँकि संजय यहाँ से हैं तो मुझे लगा कि नहीं इस शादी में तो जाना ज़रूरी है, और फिर चले आए बस यहाँ पर। इस स्वीट कपल के लिए आप स्पेशल क्या कहना चाहेंगे? यही कहेंगे एक लाइन उनके लिए कि खुशियों के रंग लेकर के संग जैसे मृदंग की ताल पर, लड़ना है जंग होके दबंग, दिल हो न तंग किसी हाल पर, चलना है निरंतर तुझको अब, रुकना ना किसी भी मोड़ पर, जैसे जल सरिता का बहता राहों के पत्थर तोड़ कर। आने वाली फिल्म मेरी अभी लैला मजनू रिलीज़ होगी जिसके गाने यूट्यूब पर आ चुके हैं और गाने बहुत अच्छे अच्छे हैं, आप लोग देख सकते हैं, इंटरटेन म्यूज़िक पर गाने हैं, और उसके अलावा पांचाली नाम की फिल्म ने बनाई है जो रिलीज़ होगी वो भी, और उसके बाद फिर नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, प्रदीप पांडे चिंटू हीरो हैं लैला मजनू में और उनके गाने कई सारे जो हैं बहुत अच्छे अभी चल रहे हैं। सर अभी गाना हाल ही में रिलीज हुआ है प्रदीप पांडे चिंटू, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, वो पहली बार उन्होंने एक धोबी गीत गाया है कि अब तो पीछा छोड़ दा हो गए नहीं बच्चे वाले, और खुशबू राज जी जो बहुत लीजेंड सिंगर हैं भोजपुरी प्राइवेट गीतों की, धोबी गीतों की, उन्होंने दिनेश लाल यादव निरहुआ और विजय लाल यादव उनके सबके साथ उनकी शुरुआत उन्होंने करवाई थी, अपने मतलब आवाज़ उनकी रही है, एंड शी इज़ वन ऑफ द लीजेंड सिंगर, तो उन्होंने चिंटू का ये सौभाग्य कह सकते हैं कि खुशबू राज जी के साथ उन्होंने वो वॉइस शेयर की है और एक ही एल्बम में दोनों लोग हैं, और बहुत प्यारी अभी भी वो उतना ही प्यारी हैं, उतनी अच्छी आवाज़ उनकी है, उनकी आवाज़ में उतना ही खनक है, तो बहुत अच्छा गाना चल रहा है, और उसके लिए पूरे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने पसंद किया, लाइक किया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.